कितना किलोवाट अभी जनरेट कर रहा है, कौन सा जनरेटर चल रहा है? इसमें दो जनरेटर है, एक 225 किलोवाट का, एक 40 किलोवाट का। सिक्स मीटर पर सेकेंड से ऊपर अगर विंड रहेगी तो 225 किलोवाट का ऑटोमेटिक जनरेटर रहेगा, तो 6 से कम रहेगी मतलब 6 मीटर से कम रहेगी तो 40 किलोवाट का। काफी बड़ा हो, 10-15 लोग काम कर सकते हैं उसमें। ऊपर जो पंखियों के पीछे लगा है, हाँ जी डब्बा दिख रहा है, हाँ वो नेसल बोलते हैं उसको। एक जो गोल घूम रहा है वो पीछे वो विंड स्पीड बताता है इन्यूमीटर, और एक जो लंबा लंबा दिख रहा है वो विंड वेन है, मतलब जिस डायरेक्शन की हवा, जैसे अभी नॉर्थ वेस्ट की चल रही है या साउथ वेस्ट की चल रही है तो ऑटोमेटिक चेंज सेंसर के द्वारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मान लो इस इधर की चल रही है साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हो गई तो इधर घूम जाए, अपने आप मोटर सेंसर से कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, कॉन्टेक्टर से मोटर ऑपरेट होती है। अच्छा, तो ये जो ऊपर का कैप जैसा है ये भी घूमता है, ऊपर का जो पार्ट है वो भी घूमता है? हाँ पूरा, ये जो दिख रहा है ना ये पूरा घूमता है आगे, मतलब यदि विंड की डायरेक्शन हुआ तो पूरा ऐसा वैसा उधर रोटेट, हाँ उधर हो जाएगा ऑटोमेटिक ऊपर से ही पूरा ऐसे ऊपर। खाली ये जो ट्यूबलर दिख रहा है ना बस, हाँ, बेस यही फिक्स है, बाकी ऊपर ये एक राउंड घूमेगा ये रोटर प्लेट, तो जनरेटर 40 आरपीएम देगा आपने 1:40 का रेशो। तो टोटल कितनी विंड मिल्स है इधर? यहाँ पे 58 इस पहाड़ी पे, 58 तीनों मिला के। चलो बाहर बात करते हैं, घंटे बाद मशीन उस हिसाब से चलता रहता है, जैसे मोटरसाइकिल करते हैं अपन के कितने किलोमीटर चल गए ये घंटे से चलती है, घंटे से चलती है, फिर उसको बंद कर देते होंगे कुछ टाइम, हाँ कुछ टाइम के लिए, जैसे ग्रीसिंग करना है तो घंटा दो घंटा बंद कर देते हैं। अच्छा एक में नहीं थी इधर, उधर कुछ नहीं, एक बंद, हाँ तो वहाँ चलते थे ना। चलो चेतन होती है, जरूरत पड़ती है।
इधर जरूरत हो गाड़ी से आए थे हमको इधर का रास्ता पता नहीं था तो इसलिए फिर उधर से आए आश्रम पर ये सामने नीचे पड़ा है हाँ मैं देख लेता हूँ चलो थैंक यू अंकल।